हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश प्रवक्ता भौतिकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स विषय कोड 102 के यूनिट 2 यानी कि इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपके 2.1 एंड 2.2 जो टॉपिक हैं यानी कि प्रत्यास्थता, प्रतिबल और विकृति, इनको कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हुक का नियम और जो प्रतिबल या सॉरी जो इलास्टिसिटी है उसकी लिमिट यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा के बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे पदार्थ के अंदर जब हम प्रत्यास्थता की सीमा में रहते हैं तो क्या परिवर्तन होते हैं, और जब सीमा को पार करते हैं तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं और किस तरह के परिवर्तन होते हैं, वो हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हुक के नियम से। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक हुक थे उन्होंने ये जो प्रत्यास्थता है पदार्थों की उसके ऊपर एक नियम दिया था जो बहुत जनरलाइज नियम है, यानी कि आप उसको अपने डेली जो लाइफ है उसमें आराम से नियम है वो देख सकते हैं। और वो नियम क्या है, वो नियम ये था कि प्रतिबल और विकृति के मध्य संबंध हुक के अनुसार, यानी कि उन्होंने क्या कहा था, हुक ने प्रतिबल और जो विकृति है उसके मध्य संबंध दिया था एक। ठीक है, और वो संबंध क्या था, तो वो ये है कि हुक के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो ध्यान देनी है आपको, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, सीमा से हमें बाहर नहीं जाना, किसकी, प्रत्यास्थता की। ठीक है, तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है इसको हम इसी टॉपिक में अगले वाले इसी जो अपने वीडियो है इसके अगले वाले टॉपिक में कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यास्थता की सीमा में क्या होता है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो प्रतिबल होता है वो उसमें होने वाली विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो होता है प्रतिबल समानुपाती विकृति। ठीक है, और अगर मैं इस समानुपाती चिन्ह को बराबर में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति। अब ई यहाँ क्या है, ई है यहाँ पे एक नियतांक है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और अगर इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ई बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, ई बराबर क्या हो गया, प्रतिबल बटा विकृति। अब आप बताइए, पिछले वाले वीडियो हमने क्या पढ़ा था कि प्रतिबल कितने होते हैं, तीन प्रतिबल होते हैं। अब प्रतिबल अगर तीन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग विकृति भी कितनी होती है, तीन विकृति होती है। तो इसका मतलब प्रत्यास्थता गुणांक भी कितने होंगे, क्योंकि तीन तरह के प्रतिबल बटा तीन तरह की विकृति, तो प्रत्यास्थता गुणांक भी कितने होंगे, तीन तरह के प्रत्यास्थता गुणांक होंगे। तो तीनों प्रत्यास्थता गुणांक हम इससे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, हुक का नियम में हमने ये प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है, ये नियम है। ये आपके कहीं बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, तो अब आते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर एक लाइन लिखी थी वो था प्रत्यास्थता की सीमा। अब इसको समझने के लिए हम आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक में, वो है प्रतिबल विकृति वक्र यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में समझने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंटली कर्व है यानी कि एक्सपेरिमेंट करके खींचा गया वक्र है। तो इसमें क्या किया गया था इसको समझिए सबसे पहले, कि सबसे पहले हमने एक क्या किया इसमें, जब प्रैक्टिकल किया तो उसके अंदर हमने एक तार लिया था। ठीक है, धातु का एक तार लिया है, उस धातु के तार पर हम क्या कर रहे हैं, उसको खींच के लंबा कर रहे हैं। ठीक है, तो लंबा करते 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 जो जो स्थितियाँ इसमें आई है, क्योंकि हम उसको लगातार बल को क्या कर रहे थे, बढ़ाते गए थे, बढ़ाने से जो स्थितियाँ आई थी वो स्थितियाँ कुछ इस ग्राफ में शो करी गई है। प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ बनाया है, विकृति को हमने एक्स एक्सिस पे और प्रतिबल को वाई एक्सिस पे लिया है। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट ई वाई यू और बी लिए, ये होते क्या हैं उसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि चित्र तनन प्रतिबल के कारण तार के लिए प्रतिबल तथा विकृति के मध्य प्रायोगिक वक्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा अच्छे से समझना कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब कोई प्रतिबल नहीं था तो विकृति भी कितनी थी, जीरो, यानी कि जो तार की प्रारंभिक लंबाई थी वो उस पर लटका हुआ था, हमने कोई उस पर बल बल नहीं लगाया। अब इस पर धीरे धीरे बल लगा के मैंने इसको खींचना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे बल लगा के खींचना स्टार्ट करूँगा तो इसकी लंबाई में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ये लंबाई इसकी बढ़ेगी, बढ़ते 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 जैसे जैसे प्रतिबल लगाता गया वैसे वैसे विकृति बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट मिला ई। ठीक है, कौन सा पॉइंट मिला, ई मिला, जिस पे ये विकृति क्या थी, रैखिक थी।
ठीक है, यानी कि अगर मैं जीरो से लेके इस पॉइंट ई तक जाता हूँ तो प्रतिबल और विकृति के मध्य संबंध क्या है, रैखिक संबंध है। यानी कि यहाँ पे हुक का नियम क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। हुक का नियम क्या कह रहा था, प्रत्यास्थ की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, यानी कि जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ा वैसे वैसे विकृति बढ़ती गई। लेकिन जैसे ई के बाद और मैंने प्रतिबल बढ़ाया, ठीक है, और प्रतिबल बढ़ाए तो आप देखिए अब थोड़ा सा जो ये ई से वाई के बीच में ग्राफ क्या हो रहा है, थोड़ा एक्स एक्सिस की तरफ फ्लैट हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप प्रतिबल में तो कम परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन विकृति में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, यानी कि प्रतिबल तो कम बढ़ाया लेकिन विकृति ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ऐसे करते करते अपन इस पॉइंट पे पूछेंगे वाई पर, और वाई को अपन बोलेंगे प्रत्यास्थता की सीमा, यानी कि यहाँ तक तो क्या होगा, प्रतिबल बढ़ाओगे तो विकृति भी बढ़ेगी। तो इसे अपन कहते हैं वाई को प्रत्यास्थता की सीमा, जिसे अपन कहते हैं प्रभाव बिंदु यानी कि यील्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक तो प्रत्यास्थता की सीमा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही और ज़्यादा प्रतिबल बढ़ाया, तो अब जैसे ही आपने प्रतिबल बढ़ाया तो विकृति में थोड़ा सा प्रतिबल बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते होते हमें एक ऐसा पॉइंट यू मिला जहाँ पे विकृति क्या हो गई, मैक्सिमम, सॉरी, जहाँ प्रतिबल क्या था, मैक्सिमम, और विकृति भी क्या थी, यानी कि वहाँ तक जैसे ही प्रतिबल हमने बढ़ाया तो इस मैक्सिमम प्रतिबल के बाद में विकृति जो है प्रतिबल नहीं लगाने पे भी क्या हो रही है, प्रतिबल तो हमने क्या कर रहे हैं इसके बाद में कम हो रहा है लेकिन विकृति बढ़ती ही जा रही है। यानी कि ये जो पॉइंट यू है, इस यू पॉइंट के बाद में प्रतिबल नहीं लगाने पर भी क्या हो रहा है, विकृति बढ़ती जा रही है, या प्रतिबल कम करने पे भी विकृति बढ़ती जा रही है। तो इस मैक्सिमम जो प्रतिबल हो सकता है जिस पॉइंट पे, जहाँ पे विकृति और इसमें संबंध क्या हो, बढ़ाने पे बढ़ने वाला, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं चरम सामर्थ्य बिंदु। यानी कि इस बिंदु तक तो क्या हो सकता है कि अगर प्रतिबल कम करोगे तो वापस विकृति कम हो सकती है, लेकिन इस बिंदु को जैसे ही पार कर गए उसके बाद प्रतिबल कम करने पर भी विकृति में कोई कमी नहीं होती है। और ऐसा होते ही एक ऐसा बिंदु भी मिलता है जिस पे तार जो है वो टूट जाता है, जिसे अपन कहते हैं भंजन बिंदु या विभंजन बिंदु। ठीक है, तो क्या हुआ था इस पूरे प्रैक्टिकल में, पहले हमने प्रतिबल बढ़ाया तो रैखिक रूप से बढ़ा पॉइंट ई तक। ठीक है, ई के बाद क्या हुआ कि प्रतिबल तो कम बढ़ा लेकिन विकृति ज़्यादा बढ़ी उसके रेस्पेक्टिवली। फिर वाई बिंदु के बाद क्या हुआ, वाई बिंदु के बाद प्रतिबल में थोड़ा सा परिवर्तन लेकिन विकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन। और बिंदु यू के बाद तो ऐसा हुआ कि अपने आप ही प्रतिबल चाहे कम कर रहे हैं तो भी विकृति क्या हो रही है, बढ़ती सॉरी विकृति बढ़ती जा रही। और बढ़ते बढ़ते बिंदु बी पे हुआ कि तार टूट गया। ठीक है, ये था हमारे पास प्रायोगिक वक्र। ठीक है, तो ये हुक का नियम और इसका जो मैंने टॉपिक लिया था 2.3, उसमें इलास्टिक लिमिट एंड हुक लॉ, वो दोनों मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, ये वक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्यास्थता को समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू।